श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज मैं दिखाती हूँ एक ऐसा पौधा जिसको देखकर आप भी लगाने के लिए सोचेंगे जरूर एक बार। ये फूल पहचाना किस चीज का फूल है? देखिए ये है अपराजिता। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये अपराजिता का पौधा है। ये दो कलर में होता है, ये देखिए एक लाइट कलर और एक डार्क कलर। वैसे तो तीन चार कलर में आते हैं मगर मेन खास करके ये दो कलर ज्यादा पाए जाते हैं। और इसकी पत्तियों की खूबी बताऊं, देखिए या तो ये सात पत्ती रहेगी या तो पांच। पहले पांच पत्ती होती हैं फिर सात पत्ती होती हैं। देखिए इस तरीके से कुछ इसकी पत्तियां हैं। टोटल जितनी भी इसकी पत्तियां होंगी आपको हर एक एक टहनी में ये देखिए सात पत्तियां, ये देखिए सब में। ये समझो ईश्वर की भी एक देन है ये, इस तरीके से। और इसके गुणों के बारे में आप लोगों को बताऊं मैं, इसके तो गुणों की कोई गिनती ही नहीं है, इतने इस उसमें गुण हैं। सबसे पहला गुण तो ये है कि ये भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को, माँ लक्ष्मी को ये खास करके पुष्प चढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये पुष्प उनको बहुत प्रिय हैं। और इसकी औषधि के रूप में बताती हूँ मैं आपको। हम लोग बहुत सारे पौधे ऐसे लगा लेते हैं जिसका हमें गुणों के बारे में पता नहीं होती है सही जानकारी, तो इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आपकी कमर में दर्द हो, अगर आपके कान में दर्द हो, तो इसकी पत्तियां या इसके जो जड़ें होती हैं इस तरीके से अगर पीस के कान में डाल दिया जाए तो दर्द को आराम मिल जाता है। और कैसा भी बुखार हो उससे तुरंत आराम मिल जाता है आपको। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सारा पौधा है। इसके पुष्प देखिए और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं कि उनमें क्या क्या गुण हैं। इसमें तो बहुत सारे गुण हैं। अगर आपकी कमर में दर्द हो इसकी बेल को इस तरीके से कहते हैं, कमर में बांध लो तो बहुत आराम मिल जाता है। अगर आपके मासिक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसकी जड़ों को पीस करके शहद में मिला करके पीजिए, उसमें बहुत फायदा आपको मिलेगा। अगर आपको पीलिया हो गई हो तो भी इसकी जो डंठलें होती हैं इसको पीस करके शहद में या छाछ में मिलाकर पीजिए, उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसके जो ये पुष्प हैं, अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हो रखी हैं तो इसको पीस करके इसका लेप फेस पे लगाएं तो काफ़ी ग्लो करता है और झाइयाँ भी धीरे धीरे करके साफ हो जाती है। देखिए कोई भी चीज़ एकदम से नहीं ठीक होती, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा मगर आराम मिलता जरूर है इससे। थोड़ा टाइम लग जाता है करने में कोई भी चीज़। ये देखिए और ये पुष्प इसमें, और इसमें ये बरसात के मौसम में सावन में खास करके इसमें बहुत पुष्प आते हैं। वैसे तो इसमें हमेशा पुष्प रहते हैं, चाहे दो ही चार पुष्प आए आते जरूर हैं। ये देखिए और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए देखिए ना, अरे इसके तो बहुत सारे गुण हैं, मैं आपको कितने गुण बताऊं। बस सबसे ज़्यादा फायदा ये है आप इसको अपने घर में जरूर लगाएं। और खास करके भगवान शंकर को ये पुष्प बहुत प्रिय है और श्री हरि को बहुत प्रिय है ये पुष्प, इसलिए चढ़ाएं उनको जरूर। अगर आपके घर में हैं तो डेली पुष्प आएंगे, आपको चढ़ाने भर के तो मिल ही जाएंगे। इसलिए ये देखिए अपराजिता गुणों की खान है। अपराजिता, अपराजिता का मतलब होता है किसी उसको कोई पराजय न कर पाए, इसलिए इसको कोई पराजय नहीं कर सकता। सब पर इसकी विजय है, हर बीमारी पे, हर रोग दोग पे, हर कष्ट पे। ये देखिए और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए शंख के आकार का होता है ये कुछ इस तरीके से। और इसको शर्मीले भी बोलते हैं, इसको तो कई नाम से बोले जाते हैं। और ये ज्यादातर छिपके खिलते हैं, बहुत सामने खिलते नहीं है। ये देखिए इस तरीके से है ना, इसमें कितने फायदे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ये हमारे देश में इतनी इतनी वनस्पतियां हैं कि जिसके बारे में हम जानते नहीं, अगर जब लगाएंगे ना तब धीरे धीरे अपने आप ही पता चल जाता है कि इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। इसलिए आप लोग अपने घर में जरूर ये अपराजिता का पौधा लगाएं, गुणों की खान है अपराजिता। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये हमने साथ में गिलोय भी लगा रखी है तो उसी के साथ ये इसकी बेल भी। और ये बेल की तरह होता है, अगर एक बार आप लगा लेना तो पूरा बेल से ये भर जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से।
और इसके बीज को भी अगर पीस के किसी बच्चे को दिया जाए जिसका दिमाग थोड़ा कमजोर हो, तो कहते हैं इससे बुद्धि भी तेज होती है, याददाश्त और तेज हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें इसे फलियां आती हैं, जैसे मटर की फली आती है ना, कुछ इस तरीके से फली आती है इसकी। और ये घर पे ही और भी पेड़ तैयार किए जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें ऐसे ब्लैक कलर के बीज आते हैं। ये देखिए, ये देखिए ना, ये जो बीज आ रहे हैं ना, इन्हीं बीजों को आप और डाल दीजिए। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे पूरी पक गई है, पेड़ में ही पूरा पक गया। अब इसके बीज को अगर हम ऐसे इस तरीके से गमले में डाल दें, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, तो इसमें देखिए अपने आप पौधा तैयार हो जाता है। क्योंकि मैंने एक पौधा लगाया था, ये देखिए धीरे धीरे ऐसे बीज डाल दिया, देखिए एक पौधा ये तैयार हो गया है इस तरीके से। ये देखिए इसी में दो तीन पौधे तैयार हो गए। ये देखिए एक बीज इधर डाला था, ये देखिए एक पौधा ये नया तैयार हो रहा है। तो अगर आप इसका इस तरीके से इसे फली आती है और इसका डाल दीजिए, तो घर पे ही आपको अगर एक पेड़ लगा लेंगे ना, तो आपको अपने आप ही कई सारे पेड़ तैयार हो जाएंगे आपके। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, बाय बाय।